हरी बोल। जन्माष्टमी के विषय में बहुत सी जिज्ञासाएं आई हुई हैं। सभी वैष्णव जानते ही हैं जन्माष्टमी को, या पहली बार नहीं आई है, लेकिन फिर भी कुछ नए साधक, नई जिज्ञासु अध्यात्म में आते हैं। अनेक जिज्ञासाएं हैं, उनको अलग अलग समाधान न करके इस वीडियो द्वारा सभी का समाधान किया जा रहा है। यथाशक्ति, यथा बुद्धि, यथा विवेक आप इसका आस्वादन करें और जन्माष्टमी के बारे में जो भी आपके संशय हैं उनको दूर करें। जय श्री राधे। मेरे साथ हैं मेरे सुपुत्र श्री हेमान कृष्ण नांगिया। आपके द्वारा भेजे हुए प्रश्नों को वो पूछेंगे और मैं यथामति ठाकुर की कृपा से, राधा रानी की कृपा से उनका समाधान करने का प्रयास करूँगा। जय श्री राधे। पूछिए हेमान जी। राधे राधे। सर्वप्रथम जो प्रश्न है वह है कि जन्माष्टमी कब की है। जय श्री राधे। जय निताई। आज कुछ दिन से जन्माष्टमी के बारे में बहुत सारी जिज्ञासाएं और प्रश्न आ रहे हैं। सबको अलग अलग समाधान न देते हुए यह एक वीडियो बना दिया है जिससे सभी का समाधान हो जाए। जन्माष्टमी कोई पहली बार नहीं आ रही है। 5,246 वर्षों से हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, लेकिन फिर भी हर बार कुछ नए साधक, कुछ नए जिज्ञासु जुड़ते हैं। उनकी कुछ समस्याएं, कुछ जिज्ञासाएं, कुछ प्रश्न रहते हैं, तो उनका समाधान यथाशक्ति, यथामति, जितना मैं जानता हूं करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला प्रश्न ये है, जन्माष्टमी कब है। जन्माष्टमी आदि तिथियां कभी कभी दो दो पड़ जाती हैं, लेकिन इस बार जहां तक मैंने देखा सुना है और मेरी समझ में आया है, सभी की जन्माष्टमी 12 तारीख की है। अर्थात 12 तारीख की रात में श्री बिहारी जी में अभिषेक होगा और उसी 13 तारीख की 3 AM मंगला आरती होगी और दर्शन खुले रहेंगे, और 13 तारीख को नंदोत्सव होगा। इसके साथ ही श्री राधारमण मंदिर में 12 तारीख को दिन में 12 बजे तक, सुबह 9 बजे से लगभग 11-11.30 बजे तक अभिषेक होगा। मंदिर चूंकि बंद हैं तो दर्शनार्थी तो नहीं शामिल हो पाएंगे, लेकिन दर्शनार्थी हों या ना हों, ठाकुर की सेवा तो होनी ही है, होगी ही, अवश्य होगी। तो राधारमण मंदिर में 12 तारीख को सुबह 9-9.30 बजे से और 11 बजे तक अभिषेक होगा, और 13 तारीख को वहाँ भी नंद महोत्सव मनाया जाएगा। इसी प्रकार हम सभी साधक लोग भी अपने अपने घरों में 12 तारीख को जन्माष्टमी मनाएंगे। अपनी रुचि अनुसार कुछ लोग सुबह अभिषेक कर लेंगे, कुछ लोग 12 तारीख की 12 बजे अभिषेक करेंगे, कुछ वैष्णव 12 तारीख की रात को 12 बजे अभिषेक करेंगे। अपनी अपनी परंपरा से जैसा भी वो चाहेंगे वैसा वो अभिषेक कर सकते हैं और ठाकुर की जन्माष्टमी मना सकते हैं। जन्माष्टमी 12 अगस्त की है, यह निश्चित है। मेरे ध्यान में अभी तक ऐसा नहीं आया कि कोई दो तिथि हो, 12 की ही सभी लोग। मेरी इस्कॉन से भी बात हुई है, राधा कुंड के पत्रा में, हरिनाम प्रेस के पत्रा में, राधा रमन जी में, सभी जगह जन्माष्टमी 12 अगस्त की है। जय श्री राधे। जय निताई। अगला जो प्रश्न आता है वह, कई लोगों का ये प्रश्न आता है कि व्रत करें कि नहीं करें। कई लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि ये ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, आनंद उत्सव है, तो इसमें व्रत करना नहीं चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, ठाकुर जी का उत्सव है तो हम तो जीव मात्र हैं, हमें व्रत करना चाहिए।
तो इसमें क्या करें, कैसे करें? इसमें भी दो मत हैं, देखिए, और दो सिद्धांत हैं। ठाकुर जी का आप उत्सव मना रहे हैं तो आप भले ही व्रत ना करें, आप आनंद मनाएं, खीर पूड़ी का भोग लगाएं, खुद भी खाएं, आनंद में रहें, ये लोग व्रत ना करें। ये प्राय जो प्राथमिक किस्म के साधन साधक हैं, संसारी साधक हैं, अभी भक्ति में जिनका प्रवेश हो रहा है, वो लोग ऐसा सोचते हैं। जो थोड़ी सी उच्च कोटि के साधक हैं, वो कृष्ण को पहचान गए, अपने आप को पहचान गए, और वो इस बात से परेशान होते हैं आज के दिन कि हे प्रभु, फिर एक साल निकल गया, आज तक न तो तुम्हारी कृपा हुई, न तुम्हारा दर्शन हुआ, न तुम्हें हम समझ पाए, न तुम्हारा कोई उपासना कर पाए, इसलिए आज मैं भूखा रहूंगा। विरह के कारण वे आज अन्न जल का त्याग कर देते हैं, लेकिन उनका पूरा पैकेज ऐसा ही होना चाहिए कि वे दिन भर विरह में रहें, विरहाकुल रहें, और भोजन का त्याग हो जाए उनसे, और वो व्रत में रहें। ये भाव यदि रहे पूरा पैकेज, तो इस भाव में रहें और व्रत रखें, और यदि आनंद के भाव में रहें तो व्रत ना रखें। व्रत में भी दो तीन प्रकार के मत हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह से निर्जल रहते हैं, ये व्रत की विधि आप बता रहे हैं। व्रत की विधि में बता रहा हूं, सुबह से निर्जल रहते हैं, दोपहर में जैसे राधा रमन जी का अभिषेक होता है 11-12 बजे, अभिषेक का पंचामृत लेके तब वो व्रत को तोड़ देते हैं, और उस व्रत के बाद फिर दो रास्ते हैं, या तो वो अन्न का प्रसाद आदि पाते हैं, खीर पूड़ी हलवा आदि, या वो उसके बाद भी एकाश्री जैसा फलाहार करते हैं। एक तो ये विधि है। दूसरी विधि ये है कि सुबह से ही वे व्रती रहते हैं, फल खाएंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, और पूरा दिन पूरी रात व्रत रहेंगे, दूसरे दिन सुबह पारण करेंगे। ये दूसरी विधि है। तीसरी विधि ऐसी भी है कि जहाँ बिहारी जी में जैसे रात में अभिषेक होता है, तो सुबह से लेके रात 12-1 बजे तक वे भूखे रहते हैं। कुछ लोग बिल्कुल निर्जल रहते हैं, कुछ लोग फलाहार लेते रहते हैं, और रात को 12 बजे बिहारी जी का पंचामृत लेके फिर व्रत को तोड़ देते हैं, और कुछ भी खा लेते हैं, अन्न खा लेते हैं कुछ लोग, कुछ लोग फल खा लेते हैं। तो ये आपकी जैसी सुविधा हो, जैसी आपकी शरीर की अनुकूलता हो, जैसी आपकी परंपरा में आपके घर होता आया हो, इसमें सहज रहना है। मुख्य है कृष्ण की स्मृति। आज हमारे इष्ट ने, आज हमारे इष्ट श्री कृष्ण ने नर रूप में जन्म लिया था, नर रूप में वे पृथ्वी पर पधारे थे। कृष्ण का अस्तित्व जन्माष्टमी से ही नहीं है, कृष्ण तो परात्पर ब्रह्म है, सृष्टि के नियंता है, सर्वोपरि सत्ता है। उस सर्वोपरि सत्ता ने आज से करीब कुछ वर्ष पहले 5,246 वर्ष पहले नर रूप में इस पृथ्वी पर, इस वृंदावन में, इस मथुरा में जन्म लिया था। यहीं से शुरुआत नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। वो अनादि हैं, अनंत हैं, परात्पर हैं, सबसे बड़े हैं। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि कृष्ण तो अभी हुए 5,000 साल पहले। अरे अभी उन्होंने नर रूप में जन्म लिया, कृष्ण तो पहले से ही थे, वो तो विराजमान अनादि काल से सृष्टि के नियंता वही हैं। तो आप व्रत इस प्रकार से ऐच्छिक रूप से, आप ये भी ध्यान रखें कि शास्त्र में उपासना के अनेक विकल्प दिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक ही विकल्प हो कि हम वही करें बस, नहीं, बहुत विकल्प हैं। इसीलिए विभिन्न परंपराओं में, विभिन्न संप्रदायों में किसी एक विकल्प को ले लिया जाता है,
वे भी सही हैं, आप भी सही हैं, मैं भी सही हूँ, सब सही हैं। बात उपासना की है, बात निष्ठा की है, बात दूसरे की निंदा की नहीं है, दूसरे के मत को गलत ठहराने की नहीं है, बात अपनी कहने की है और अपनी बात में, अपनी निष्ठा में दृढ़ होने की आवश्यकता है। जय श्री राधे, जय निताई। अगली जो इसी में प्रश्न आता है वह ये पूछा गया कि कौन सा पाठ अधिक उपयोगी है जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी के दिन आप जो भी नित्य पाठ करते हैं, मंत्र करते हैं, जप करते हैं, वो करें। और बहुत अच्छा हो कि आप भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला का पाठ करें। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है, नहीं तो हरिनाम प्रेस से गोपाल चंपू नामक एक ग्रंथ है, उसमें कृष्ण जन्म का रहस्यपूर्ण वर्णन है। आप उसका पाठ करें, जिससे कृष्ण जन्म और नंदोत्सव दोनों का पाठ करें, जिससे जैसा समय है, जो अवसर है, वैसा ही पाठ किया जाए तो अच्छा रहेगा और उत्तम रहेगा। जय श्री राधे, जय निताई। किस रंग की पोशाक पहनाएं विशेष रूप से, कोई ऐसी? श्याम सुंदर को पीला रंग, पीतांबर धारी आपको पता ही है, तो जन्माष्टमी के दिन प्राय पीतांबर पीले रंग की पोशाक ठाकुर को धरानी चाहिए। और वैसे आप जो भी पोशाक धराएं, बाकी पोशाक में थोड़ा सा आजकल बड़ी विकृति आ गई है, जो मैं निवेदन करना चाहूँगा, बड़े बड़े मोती, बड़े बड़े चुभने वाले वस्त्र ठाकुर को धारण करा दिए जाते हैं। हमें तो ठाकुर अच्छे लगते हैं, दिखने वाले को अच्छे लगते हैं, फोटो भी बड़ी अच्छी आती है फेसबुक पर लगाने के लिए, लेकिन क्या ठाकुर को आनंद हो रहा है? क्या ठाकुर को वो मोती चुभ तो नहीं रहे हैं? क्या ठाकुर का खुद का वजन 200 ग्राम और उन पर 500 ग्राम की पोशाक हमने लाद दी? इस भाव का भी अवश्य साधकों को, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ठाकुर की पोशाक सुंदर भी हो और ठाकुर को सुख देने वाली भी हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए। जय श्री राधे, जय निताई। अभिषेक जो करें ठाकुर जी का, वह कितने बजे करें? अभिषेक के भी दो मत हैं। एक तो ठीक रात को 12 बजे अभिषेक होता है, उसमें ये धारणा है कि जन्म हुआ है, लेकिन जन्म तो नहीं हुआ, ये तो जन्मदिन है, जन्म थोड़ी हुआ है। अब जैसे हमारे घर का कोई भाई या बेटा मान लो रात को 2:30 बजे पैदा हुआ हो, तो हम क्या उसका रात को 2:30 बजे जन्मदिन मनाते हैं? नहीं मनाते हैं ना, वो तो उसके जन्म का समय है। तो उनका जन्मदिन जो मनाते हैं वो दिन में अभिषेक करते हैं 12 बजे, 11 बजे 10 बजे से शुरू हो जाएगा, और नहीं तो 12 बजे करें। बहुत से जो भाव प्रधान साधक हैं वह सुबह ही अभिषेक कर देते हैं, ठाकुर जी की जो सुबह सेवा की जाती है उसमें ही सुबह ठाकुर को जल से स्नान करा के और पंचामृत से स्नान करा के, आज जन्मदिन है ठाकुर का, आज ठाकुर को सुबह ही अभिषेक करा के, श्रृंगार करा के विराजमान कर देते हैं और उस अभिषेक का, पंचामृत का जल स्वयं पान कर लेते हैं। ऐसी भी परंपरा है। तो तीन परंपरा हो गई, एक रात को 12 बजे, दूसरी हो गई दिन में 12 बजे, रात को 12 बजे करेंगे, दूसरे दिन में 12 बजे करेंगे, अथवा सुबह जो 6-7 बजे 8 बजे जब भी आप ठाकुर की सेवा करते हैं उस समय आप पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। यह भी मत है, जैसा भी आपको अनुकूलता हो, जैसे भी आपकी निष्ठा हो, जैसे आपकी परंपरा हो, वैसे आप कर सकते हैं। जय श्री राधे। इसमें कोई समय की बाध्यता नहीं है कि इसका कोई मुहूर्त है या उतने बजे तक? नहीं, जो विधि मार्गी है वो तो इसमें देखते हैं। ये देखिए पंचामृत में भी लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा है कोई समय, समय की कोई बाध्यता नहीं है मेरे अनुमान से। आप भावना पूर्वक दोपहर 12 बजे या रात्रि 12 बजे, इसलिए है क्योंकि अर्धरात्रि में भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए थोड़ा सा अनुकूलता हो तो 12 बजे के आसपास अभिषेक कर लें, और नहीं तो सुबह अभिषेक कर ले। समय का कोई इसका मुहूर्त आदि नहीं निकलता है कृष्ण जन्माष्टमी का कि ये इतने बजे, जैसे दीपावली का मुहूर्त होता है ऐसा कोई मुहूर्त नहीं निकलता है। तो
अच्छा, जो अभिषेक करना है उसमें क्या क्या हमें जो तत्व होते हैं सारे? पंचामृत से अभिषेक होता है जी, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और बूरा, ये पांच तत्व होते हैं। इनकी मात्रा होती है कि मेरे ख्याल से कहाँ से शुरू करते हैं कि उसका डबल, वो कहीं भी आपको किसी ग्रंथ में मिल जाएगा, मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अनुमान से आप थोड़ा शहद, थोड़ा एक चम्मच घी, एक चम्मच शहद और थोड़ा दही एक दो चम्मच, आधा गिलास दूध और बूरा मिला के अभिषेक कर दीजिए, और उसके बाद में गंगा जल से और जल से ठाकुर का स्नान करा दीजिए, तो वो पंचामृत अभिषेक बन जाता है। अपनी मात्रा सहज में ले लीजिए, और बहुत ज्यादा विधि हो तो गूगल पर या इधर उधर उसकी मात्रा मिल जाएगी आपको कि कितना बूरा हो कितना वो हो, उसमें मेरे ख्याल से विशेष जाने की आवश्यकता नहीं है। भावपूर्वक आप इन पांच चीजों से, और कहीं ये पांच चीजें नहीं मिल पाए, ऐसा भी हो सकता है कि आजकल लॉकडाउन है कहाँ मिलेगा या हमको तो अभी अभी पता चला, तो आप केवल दूध से अभिषेक करा सकते हैं। दूध है, दूध ले लीजिए पांचों में से जो मिल जाए। हाँ अच्छा, देखिए दूध होता ही है, दूध कच्चा हो और काढ़ा हुआ ना हो, फीका हो। शहद होता ही है, शहद को ले लें। घी, देशी घी होता ही है। दही होता ही है, बूरा होता ही है घर में। ये चारों पांचों पदार्थ सहज घर में मिलते हैं, फिर भी ना हो तो चार पदार्थ से कर लीजिए, दो पदार्थ से कर लीजिए, कुछ भी ना हो तो दूध से अभिषेक कर लीजिए। ठाकुर दूध के अभिषेक से भी प्रसन्न हो जाएंगे, और दूध से अभिषेक भी संपूर्ण अभिषेक माना जाता है। दूध में शहद मिला के अभिषेक कर लीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं। पूरी सुविधा है, ज्यादा विधि निषेध में ना जाइए, और भावपूर्वक ठाकुर का अभिषेक कराइए। आज ठाकुर का जन्मदिन है, आज ठाकुर को दूध से नहलाइए, जल से बाद में मार्जन कर दीजिए। जय श्री राधे, जय निताई। इसमें आगे की जिज्ञासा ये है कि यदि हमारे पास शिव विग्रह नहीं है जी, केवल चित्रपट सेवा है, तो हम कैसे मनाएं? शिव विग्रह यदि नहीं है और शालिग्राम है तो शालिग्राम का स्नान किया जा सकता है, क्योंकि शालिग्राम, नारायण, कृष्ण, राम, सभी भगवत विग्रह शालिग्राम में होते हैं। जिनके यहाँ विग्रह नहीं है वे शालिग्राम का स्नान करा सकते हैं, शालिग्राम का पंचामृत अभिषेक करा सकते हैं, और जिनके पास शालिग्राम भी नहीं है, वे फिर मानसिक रूप में अभिषेक करा दें, और बहुत अधिक करना हो तो चित्रपट के सामने एक शीशा रखें शुद्ध, इस प्रकार आमने सामने रख लें ठाकुर जी को, रख लें दाईं तरफ और बाईं तरफ रख लें एक शीशा, जिसमें उस शीशे में ठाकुर जी की छवि दिखे, और उस छवि के ऊपर पंचामृत, शीशे पर पंचामृत अभिषेक करा दें, जिससे शीशे का कुछ बिगड़ेगा नहीं और चित्रपट भी बिगड़ेगा नहीं। ये विधि है, शीशे का अभिषेक कराया जा सकता है आमने सामने, इस प्रकार से इधर ठाकुर जी रख लें, इधर शीशा रख लें, और शीशे में जो छवि दिख रही है उसका अभिषेक करा लें। ठीक है, जय श्री राधे। साथ में युगल सेवा है तो राधा जी का भी अभिषेक कराएं क्या? हाँ, आप करा सकते हैं, कोई मना नहीं है, आवश्यक भी नहीं है, लेकिन राधा और कृष्ण तो एक प्राण दो देह हैं, तो प्रिया जी भी हमारी उपासना में हैं, तो कृष्ण के साथ पहले ठाकुर का अभिषेक करा दीजिए, फिर प्रिया जी का अभिषेक करा दीजिए, और नहीं भी कराएं तो कोई हानि या अपराध नहीं है, दोनों आपका जहां मन माने। सेवा मन भावी है, भाव प्रधान है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं, कोई मना नहीं। वृंदावन में क्या जन्माष्टमी के मौके पे कुछ विशेष प्रसाद की सेवा होती है ठाकुर जी के प्रति? वृंदावन में देखिए, एक तो खीर मेरे ख्याल से माखन और मिश्री, माखन मिश्री, क्योंकि माखन मिश्री ठाकुर को बहुत पसंद है, तो माखन मिश्री का भोग लगता है,
नंद महोत्सव के दिन दूध दही हल्दी ये सब भोग लगता है और खीर एक ऐसा सात्विक पदार्थ है, चावल की खीर या सवा की खीर ये ठाकुर को भोग लगती ही लगती है, पूड़ी लगती है, सब्जियां लगती हैं तरह तरह की, वो आप स्वेच्छा से ठाकुर की रुचि के अनुसार, ऐसा कुछ नहीं जबकि राधाष्टमी पर या अरबी का भोग लगता है वृंदावन में, जन्माष्टमी पर ऐसा कुछ नहीं है, भांति भांति के पदार्थ ठाकुर को भोग लगते हैं और ठाकुर बड़े प्रेम से उन भोग को पाते हैं और खूब आनंद होता है, उत्सव होता है। जय श्री राधे, जय निताई। अगली जिज्ञासा है कि केक काटे कि नहीं काटे? नहीं, कभी नहीं। केक काटना ईसाई परंपरा है, किसी भी चीज को काटना, काटना शब्द वैष्णव रीति में तो वैसे ही नहीं है। हम सब्जी भी काटते हैं तो उसको कहते हैं सब्जी अमनिया कर दो, ये फल अमनिया कर दो, ये दाल अमनिया कर दो, ये अमनिया तैयार कर दो। काटने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। और मैं निवेदन करूंगा धीरे धीरे ये परंपरा डेवलप हो रही है, हम वैष्णवों को चाहिए कि बिल्कुल भी केक का नामो निशान नहीं होना चाहिए। केक में आप जानते हैं ब्रेड जैसी चीज होती है और ब्रेड वैष्णव को खानी क्या देखनी तक नहीं चाहिए, गंदी चीज, तामसिक चीज में, तामसिक वस्तु में ब्रेड गिनी जाती है। साधारण तौर पर भी वैष्णव को ब्रेड नहीं खानी चाहिए। तो उत्सव के दिन हम ब्रेड का बना हुआ केक खाएंगे? राम 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 राम, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। केक का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, सारे उत्सव का मजा बिगाड़ दिया आपने केक की बात पूछ के, इसलिए केक कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जो अभी जन्माष्टमी से संबंधित जिज्ञासाएं आई थी वह सब समाप्त हैं, शेष हो चुकी हैं। यही हमारे पास जिज्ञासाएं थी। आप सबको भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राधे, जय निताई। जन्माष्टमी आपको शुभ हो, खूब आनंद से आप ठाकुर का उत्सव मनाएं, मंदिर बंद हैं, घर में ही मनाएं, आपस में ही मनाएं, जैसे आप एक बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, आज ठाकुर भी नर रूप में आए हैं यहाँ पर, उसको भी मनाएं और आनंद करें। आपको जन्माष्टमी शुभ हो, भजन भक्ति की वृद्धि हो, आप पर ठाकुर की कृपा हो, ऐसी मेरी श्री राधा रानी के और ठाकुर के चरणों में प्रार्थना है। जय श्री राधे, जय निताई।